मैं क्रेम और होम डेकोरेशन से रिलेटेड सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल निशा भाटी को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुके बनाना बताऊंगी जो कि हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। आज मैं आपको वो घर पे ही बनाना बताऊंगी, जैसे हम एनिवर्सरी में या किसी बर्थडे वगैरह में गिफ्ट देते हैं वो हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं, तो आज मैं आपको उसे ही बनाना बताऊंगी घर पे। जिसके लिए देखिए, ये स्टैंड है, ये बुके वाला स्टैंड है। ये हमने, आप चाहें तो इसे, ये मतलब कि बना हुआ भी मिल जाता है और इसे बनवा सकते हैं। देखिए इस तरीके से शेप है इसकी। और ये मैंने कुछ पत्ती लिए हैं, पत्ती ये भी जो ये सारा सामान मार्केट में अच्छे से मिल जाता है। और ये मैंने एक टेप ली है, ये तार है, और ये फैब्रिक लिया है मैंने। ये देखिए जो ये मैंने फैब्रिक लिया है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है पहले से ही। 5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 5 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। जो भी हम फ्लावर बनाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर लेनी होती है। और ये देखिए, ये मैंने लिए हैं पराग। ये देखिए, ये मैंने दो लिए हैं, ये मैंने पिंक कलर लिया है और ये मैंने रेड कलर लिया है। कपड़े भी मैंने दो ही कलर के लिए हैं, जो फैब्रिक लिए हैं वो भी मैंने दो ही कलर के लिए हैं, रेड और पिंक। और ये मेरी चमक वाली पोलोथीन है, ये जो हम किसी भी इसमें हम जो हम बुके जो में ये स्टैंड है मेरा, इसमें हम इसे इस तरीके से अटैच करेंगे पीछे की तरफ, ताकि जो हम इसमें फ्लावर सेट कर सकें तो वो अच्छे से सेट आ सके इसमें। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये जो मैंने 5-5 इंच की इसकी 5 इंच लंबाई है, 5 इंच चौड़ाई है फैब्रिक की, तो मैं इससे बनाना बताऊंगी आपको किस तरीके से हम बनाते हैं। और मैं इसे आपको बनाना स्टार्ट करती हूँ कि हम फ्लावर किस तरीके से बनाएंगे। जो फैब्रिक है हम इसे किस तरीके से काटेंगे, 5 इंच लंबाई और 5 इंच इसकी चौड़ाई बराबर ले दोनों, और इस तरीके से हमको ये बराबर बराबर काटने हैं। ये मैंने दो कलर लिए हैं इसमें। अभी देखिए हम फ्लावर को किस तरीके से बनाएंगे। मैंने पूरे फैब्रिक काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसको जो हम शेप देंगे वो किस तरीके से देंगे, देखिए हमें सबसे पहले एक बार फोल्ड करना है इसको, और फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इधर से, दोनों तरफ से फोल्ड करके हम इसको, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बराबर कर देना है, और ऐसे हम इसको रोल कर लेंगे। रोल हम इस तरीके इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारी ये शेप है फ्लावर के जैसे आ सके। और ये देखिए जो मैंने तार लिए हैं, ये सारा सामान आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अभी देखिए मैंने तार ले लिया है, इसको मैंने आगे से 1/2 इंच के बराबर फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए इसको, जो ये मैंने आपको कपड़े बनाने बताए फैब्रिक से, मैंने ये बनाए हैं फ्लावर के जैसे, इनको मैं किस तरीके से इसमें अटैच करूंगी। ये देखिए सबसे पहले हम तार को रखेंगे इधर, ये देखिए तार को हम इस तरीके से इसमें रखेंगे, और धागा लेंगे जो हमारा नॉर्मली धागा लेंगे इसमें हम रील वाला, और इसको इस तरीके से हम इसमें बांध देंगे, इसको तार को इसमें अटैच करके, और तब इसको हमें बांधना है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए दूसरा हम किस तरीके से अटैच करेंगे इसमें। ये जो दूसरा वाला फ्लावर है इसको हम इसी के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे, ये हमारे गुलाब जैसा फूल बन के आएगा इसमें। और ये देखिए इसको भी हम फिर धागा लेंगे और फिर धागे को फोल्ड कर लेंगे, इसी तरीके से फोल्ड करते हुए चलना है इसी के ऊपर। ये हम धागा इस वजह से ताकि हमारा ये टाइट हो जाए, और जो हम तार लगाते हैं इसमें, तार हम इस लिए लगाते हैं जो अपने ये, अभी देखिए दो हमने इधर की तरफ अटैच कर लिया, वह हम इधर को रखेंगे। जो फैब्रिक का मैंने टुकड़े से जो डिजाइन बनाया है इसको हम इधर रखेंगे, और इधर फिर से शेप देंगे, और इसी तरीके से रील से हम इसको फोल्ड करेंगे, इधर से बांध देंगे बिल्कुल टाइट टाइट, ये देखिए। और ये जो हम तार लेते हैं इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं इसको, जो हम इसको बुके वाले स्टैंड में सेट करते हैं तो वो तार की सहायता से ही सेट करना होता है बुके में, तार के बिना ये अच्छे से सेट नहीं होगा। ये देखिए कितने सुंदर शेप आ रही है इसकी फ्लावर की बनने के बाद में, और ये फिर से मैं एक ही
ये देखिए फिर से लूंगी मैं एक फैब्रिक और इसको भी हम इधर ही अटैच करेंगे। दो दो अटैच करने हैं हमको, जैसे मैंने दो उधर किए थे। इसको हमें फ्लावर जैसी शेप देनी है। आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो बर्थडे वगैरह में तो खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको घर पे ही बनाने बता रही हूँ बुके किस तरीके से हम बनाते हैं। इसमें ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं होती। ये देखिए ऐसे ही हम रील वाले धागे से और फिर से लेंगे हम। इसको ऐसे बराबर कर लेंगे फोल्ड और तब हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे इसमें। ये देखिए ऐसे ही बराबर बराबर करते हुए और रील से हम इसको ऐसे ही बांधते हैं। हमको धागे को कट नहीं करना है। अभी देखिए इसको हमने रील के धागे से ऐसे ही फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें एक पत्ती अटैच करेंगे। ये देखिए मेरी नॉर्मली पत्ती है, मैंने आपको पहले भी बता रखी है ये पत्ती किस तरीके से। और हम इसको तार को खोलेंगे इधर से और इस तार को हम इस पत्ती को इस तार के अंदर डाल लेंगे और इसको बराबर शेप में लेके आएंगे फ्लावर की में। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके शेप में इसको और इसको भी हम इधर से बिल्कुल बांध देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड ये जो मैंने पराग लिए हैं अपने, इसको हम इंग्लिश में पॉलिन बोलते हैं। अभी देखिए इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे। जो मैंने इधर से तार था मेरा वो हम इसी वजह से लेते हैं ताकि हम इसमें ये पॉलिन सेट कर सकें। अब इनको हम इधर से डालेंगे। देखिए इधर से और इनको हम इधर से इस तरीके से निकाल देंगे। इनको बिल्कुल बराबर कर देंगे। अभी देखिए मैंने इनको बराबर करके अब इधर से इसको भी मैं ऐसे ही बांध दूंगी। जैसे कि मैंने इसमें धागे का यूज ज्यादा है ताकि हम इसको अच्छे से सेट कर सकें। ये देखिए ये मैंने इसको इधर से बांध दिया है और इसको हम बिल्कुल सेट कर देंगे अब फ्लावर को। ये देखिए बिल्कुल सेट कर देना है और ये देखिए कितना सुंदर आ गया है मेरा बनने के बाद में। ये देखिए कितनी सुंदर शेप आई है इसकी बनके। और इधर से भी इसमें एक पत्ती इस वजह से डालते हैं ताकि हमारे बिल्कुल फ्लावर जैसा लगे। और अब मैं आपको इसे रेड वाला बनाना बताऊंगी किस तरीके से। ये जो मैंने 5-5 इंच की, ये देखिए इसकी भी मैंने 5 इंच लंबाई ली है, 5 इंच चौड़ाई ली है। इसको हम सबसे पहले हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए दो कलर के मैं इनको बना रही हूँ पूरे को। और फिर हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद में हम इधर से इसको हल्का सा रोल कर देंगे। ये देखिए हमें रोल हम इस वजह से करते हैं ताकि हमारी ये जो शेप है पत्ते की, ये बिल्कुल ये थोड़ा सा इधर से ऐसे। और मैं आपको दूसरा बताऊंगी किस तरीके से। ये देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करना है इसको। आप इनको ज्यादा बड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो ये कपड़े की जो ये मैंने फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई लंबाई थोड़ी बढ़ा दें। ये जो चौड़ाई लंबाई बराबर होती है वो थोड़ी बढ़ा दें इसमें। अभी देखिए इसको भी मैं इस तरीके से थोड़ा रोल कर दूंगी। देखिए इसी तरीके से मैं ये सारे बना लूंगी। देखिए फ्रेंड ये मेरा फ्लावर बन के तैयार हो चुका है। अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से, और ये मैंने इसमें पॉलिन भी लगा लिया है। ये देखिए आगे की तरफ से मैंने इसमें पॉलिन लगा के इसमें अटैच कर दिया है और शेप भी इसकी बिल्कुल फ्लावर जैसे ही आई है। मैं इसको इसे जो हमने बुके वाला स्टैंड लिया था, ये देखिए मेरा बुके वाला स्टैंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें पोलोथीन जो मैंने ली है कलर वाली, वो मैंने इसमें लगा के अटैच कर ली है। पूरे में मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि मेरा हमारा ये अच्छे से पीछे से डिजाइन थोड़ा अच्छा लगे। अब मैं इसमें ये जो मैंने फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए मैंने पूरे फ्लावर बना लिए।
अभी देखिए मैंने पूरे फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें ये पूरे, ये देखिए ये मैंने सारे बना लिए हैं सेम ऐसे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैंने ये पूरे बना लिए हैं। अब मैं आपको इसे इसमें बुके में अटैच करना बताऊंगी, जो मेरा बुके वाला स्टैंड है किस तरीके से हम इसमें फ्लावर को अटैच करेंगे। ये देखिए सबसे पहले, अभी देखिए जो मैंने फ्लावर है इसमें मेरे तार हैं, इसमें ये देखिए पीछे की तरफ मैंने इसमें तार को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इससे टाइट कर देंगे, इधर से शेप देनी है हमें इसमें, बिल्कुल शेप देते हुए इसमें हमें कुछ सेट करना है ये, और उसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक मैंने लगा लिया है और दूसरा मैं इधर अटैच करूंगी इसमें। अभी देखिए मैंने इसको एक इधर अटैच कर दिया है ये वाला। अब इसको मैं एक मैंने पिंक कलर लिया है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे इधर तार को, जो ही मैंने तार इसी वजह से लिया है ताकि हम इसे बुके वाले जो ही हमारा स्टैंड है इसमें हम अच्छे से सेट कर सके। ये देखिए इसको हम इधर से फोल्ड कर देंगे। अभी देखिए मैंने दो अटैच कर दिए इसमें, और फिर से मैं लूंगी एक फ्लावर इसी तरीके से, और ये जो हमारा तार है इधर से इसको हम, ये देखिए जो हमने ये पोलोथीन लगाई है इसी के अंदर से हम इसको निकाल देंगे, और इसी तार को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ से ही, हमको ये फोल्ड कर देना है, टाइट कर देना है ताकि हमारा ये अच्छे से सेट आ सके। ये देखिए ये मैंने दो सेट कर दिए इसमें, और ये वाला फ्लावर लेंगे। फिर इसको हम तार को सबसे पहले बिल्कुल सीधा करना होता है, और फिर इधर से ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ऐसे निकाल के, और इसको हम बिल्कुल टाइट कर देंगे पीछे की तरफ से, हमें तार को बिल्कुल मोड़ देना है और टाइट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे को भर देना है। फ्रेंड ये मेरे बुके आपके सामने बनके तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टैंड में मैंने पूरे फ्लावर इसमें अटैच कर दिए हैं बना के, मैंने आपको बनाना भी बता दिया किस तरीके से बनाते हैं, और ये देखिए हम किसी को भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में, पूरे स्टैंड को मैंने कवर कर दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।